कुछ इश्यूज लेके मीडिया के सामने आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं मीडिया पर्सन सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए और हमारी ग्रीवेंस को सुनने की कोशिश किया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 2016 से लेके 19 तक का जो बैचेस का बैकलॉग एग्जाम्स जो 20 से और शुरू होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। और हमें जैसे कि पता है कि नया नया SOP भी निकला है और यहाँ पे देखा जाए कि तो लद्दाख और लेह में स्पेशली पर डे 100-200 केसेस आते जा रहे हैं। तो हमारा यही गुजारिश था कि UT एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC जो भी हो, इस बार हमारा एग्जाम ऑनलाइन कीजिए आप लोग, ताकि ये कोविड का रिस्क भी खत्म हो जाए और स्टूडेंट्स को भी इतना प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि स्टूडेंट्स का ये है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 3-4 या 10-11 बच्चे अभी कोविड पॉजिटिव है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क से। क्योंकि बच्चे मुझे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10 और 12 का जैसे पिछले साल एक प्रॉब्लम हुआ था कि उन जो बच्चे 10 और 12 में कोविड पॉजिटिव निकला था, उन लोगों को ये कहा गया कि ताकि आप लोगों का बाद में एग्जाम हम कर देंगे, लेकिन उन लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो मतलब अभी यही मतलब कॉलेज के स्टूडेंट के साथ की भी होने का चांस है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम इस बार ऑनलाइन हो, और हम इसी वजह से हम VC यहाँ तक कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन DC से भी मिलने के लिए गया था। और हमें उम्मीद है कि कम से कम जल्द से जल्द हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि DC और सब की तरफ से। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत अभी 16-15 से लेके अभी 19 तक के स्टूडेंट्स बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि डिग्री की वजह से, कुछ का NALO का प्रॉब्लम की वजह से, कुछ का बैकलॉग्स का वजह से। और मैं एक बात ये भी साफ कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 90 या 100 स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट बेसिस पे अपना एग्जाम फेस किया था, उन लोगों को फेल किया गया था। कल 90 स्टूडेंट्स को फेल किया गया था, ना कि उन लोगों को वाइवा देना था, ना कि कुछ और देना था, सिर्फ असाइनमेंट देना था, उसके बदले भी उन लोगों को फेल किया गया था। तो हमें ये जानना है कि ये गैप कहाँ है, कि हमारा क्वेश्चन अभी हम फेल हुआ तो किस बेसिस पे फेल हुआ है। असाइनमेंट तो हम सब ने देख के मतलब सब कुछ लिखा था, हम खुद ने लिखा था, इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ। और जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो प्रॉब्लम से अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी में हमें पहले एश्योरेंस मिला था कि लद्दाख यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, लेकिन 2020 बेस्ट फर्स्ट सेम का जो बैकलॉग का रिजल्ट है अभी 6 महीना हो रहा है, तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या? और स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा मसला है कि जो डिग्री 3 साल में मिलना चाहिए वो डिग्री 6-7 साल में मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी ले कॉलेज करगिल, ये सिर्फ ले कॉलेज का नहीं है, ये करगिल कॉलेज का है, जंस्कार कॉलेज का है, नुब्रा कॉलेज का, सभी का प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ले में, और यहाँ हम ज्यादातर इश्यूज हम पुट अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीडिया ज्यादा हमें हेल्प करते हैं और हमारे इश्यूज को ऊपर पहुंचाते हैं। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एंड में कि कम से कम इस बार ऑनलाइन किया जाए जो बैचेस बैकलॉग एग्जामिनेशन हो, और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स का जल्द से जल्द हमें उम्मीद रहेंगे। यही कहना है सबको, जुलाई।